आज के टाइम में फेसबुक लॉक अकाउंट को कैसे अनलॉक करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि फेसबुक लॉक अकाउंट को अनलॉक कैसे करें। और फेसबुक से रिलेटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, फेसबुक लॉक अकाउंट जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, और इसका सॉल्यूशन भी बहुत कम है। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या सॉल्यूशन है और क्या स्टेप है जिससे कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर सकते हो, जैसा था पहले लॉक होने से पहले वैसे ही रिकवर कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं उस पर, अभी आपका कंफर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन आ रहा है तो उसके जगह पे कोई अदर ऑप्शन ला के कैसे उसको रिकवर कर सकते हैं, वही आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे कि आप इस अकाउंट को देख रहे हो, इसमें गेट कोड बाई फ़ोन का ऑप्शन है, तो इसमें कैसे आया और आप कैसे ला सकते हो वही इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो क्या प्रोसेस करना है, क्या प्रोसेस है, क्या नहीं करना है, सब आपको दूसरे अकाउंट में करके दिखाने वाले हैं। दूसरे अकाउंट में करके दिखाएंगे, वही आपको सेम प्रोसेस अपने अकाउंट में करके करना है। मैं हर किसी के सबके अकाउंट में कर के तो दिखा नहीं सकता, प्रोसेस आपके अकाउंट में कर तो सकता नहीं, इसीलिए एक वीडियो बना देता हूं जिससे कि आप लोग भी देख के कर सकें। इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, आपको यूट्यूब से इनकम आ रही हो तो यूट्यूब से कोई इनकम नहीं आती है, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो। वीडियो को जब लाइक नहीं करोगे तो वीडियो को इंप्रेशन नहीं जाएगा, और इंप्रेशन नहीं जाएगा तो व्यूज़ नहीं आएंगे। तो ये सब छोड़ो, अब गेट कोड का ऑप्शन लाए कैसे, कोई अदर ऑप्शन लाए कैसे, यदि आपके स्क्रीन पर यदि ऐसा ऑप्शन आ रहा है, फिर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको 2 से 3 टाइम रिफ्रेश करना है। कभी कभी 2 से 3 टाइम रिफ्रेश करने से रियल गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाता है, यदि फिर भी नहीं आता है रियल गेट स्टार्टेड का ऑप्शन तो फिर आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यदि नहीं आता है पहले तो रिफ्रेश करके देख लिए, 2 से 3 टाइम्स यदि नहीं आता है तो फिर आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको विजिट दिस पेज करके एक ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। कभी कभी होता क्या है कि इस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली कभी कभी अनलॉक हो जाता है 1 या 2% केस में, ये नहीं कि सभी का ही हो जाए, 1 या 2% केस में हो जाता है। तो यदि नहीं हो तो फिर से आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करते हो नीचे आओगे तो आपको यस और नो करके 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको यस नो पे क्लिक करना, नो को क्लिक करने को सेकंड वाले ऑप्शन या थर्ड वाले ऑप्शन को चूज करना है। दिस सॉल्यूशन डज नॉट वर्किंग, और आपको क्या लिखना है इसमें तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सेम वही आपको कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है, आपकी डिटेल्स फिल करने के साथ साथ वही सेम डाल देना है यहाँ पर, और डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ से इसको सबमिट कर देना। जो स्टेप मैं आपको बता दूँगा, यदि आपने वही स्टेप सब कुछ कम्प्लीटली फॉलो किए तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपका अकाउंट में ऑप्शन चेंज हो जाएगा। ये प्रोसेस करने के बाद जो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस जो बताने वाला हूँ, इस वीडियो जो प्रोसेस मैंने आपको बताई बताऊंगा, तो यदि आपने वो प्रोसेस किया तो आपका 100 और 200% गेट कोड का ऑप्शन आएगा। लेकिन वो प्रोसेस करने के बाद आपको पेटेंस धैर्य रखना पड़ता है, आपको कुछ दिनों के लिए लॉग आउट करना पड़ सकता है। तो आप लोग करते क्या हो, पेटेंस धैर्य नहीं रखते हो, फिर आपको दूसरी लिंक जो मैं आपको दे दी है, ये लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो इसी लिंक पे फिर आपको जाना है। इस लिंक पे जाने के बाद आपको यदि आपकी जीमेल ऐड नहीं होगी तो न्यू जीमेल डालनी है, आपको कांटेक्ट जीमेल में एक न्यू जीमेल डाल देनी है। यदि जीमेल ऐड होगी तो जीमेल ऐड डालने का ऑप्शन नहीं आएगा, जिनकी नंबर अकेला ऐड है तो उसमें जीमेल डालने का ऑप्शन आएगा, तो आपको जीमेल फिल कर देनी है। सिंपली जीमेल फिल करने के बाद फिर वही सेम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में वही सेम डालना है जो पिछली अभी आपने डाला था, और स्क्रीनशॉट में आपको लॉक वाला आपका स्क्रीनशॉट डाल देना है प्रॉब्लम का, और यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको नेक्स्ट लिंक पर दी रखी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी लिंक पर जाना है। दूसरी लिंक पर जाने के बाद आपको सिंपली वही सेम प्रोसेस, सिक्योरिटी लॉग इन करके लिंक होगी तो उस पर आपको यदि जीमेल आईडी होगी तो जीमेल डालने का ऑप्शन आएगा, तो इसमें भी आपको जीमेल फिल कर देनी, और जीमेल फिल करने के बाद फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इशू में सेम वही लिख देना जो कि पिछले में डाला था, फिर इसमें भी स्क्रीन शॉट वही प्रॉब्लम वाला स्क्रीन शॉट डाल के यहाँ पर भी सबमिट कर देना। और सबमिट करने के बाद फिर आपकी थर्ड लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखती है, तो उस लिंक पर भी आपको सेम वही प्रोसेस करना है, ठीक है, प्रोसेस करना है। और इस पर भी प्लीज़ सिलेक्ट में आपको अदर सिलेक्ट कर लेना है, और इस उसमें आपको वही सेम यहाँ पर भी पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर भी आपको सबमिट कर देना है। फिर आपको आती है नेक्स्ट लिंक आपकी, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी, तो मैंने सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको करके दिखाया, सबको लाइव करके दिखाया, फिर भी आप ना कर पाओ तो भाई क्या ही कह सकते हैं। आपको ये सब प्रोसेस करने के बाद सिंपली आपको अपने अकाउंट को 1 मंथ के लिए लॉगआउट करके रख देना है। यदि 1 मंथ के बाद भी यदि आपका नहीं आता है तो फिर मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, यदि जिनका जीमेल ऐड होगा उनका 1 मंथ के अंदर नहीं आता है तो आपको फिर 1 मंथ के अंदर यदि नहीं आता है तो आपको कम से कम 2 महीने के लिए लॉगआउट करके रखना पड़ेगा। जिनका 1 मंथ के अंदर आ जाता है उनका तो ठीक है, यदि जिनका नहीं आता है तो उनका तभी आएगा जब उनके लॉक डेट से पूरा 3 महीने के बाद ही गेट कोड का ऑप्शन आता है, मतलब कि कम से कम पूरा 3 महीने लॉक होने के 3 महीने के बाद ही जीमेल का ऑप्शन आएगा यदि जिनका 1 मंथ के अंदर नहीं आता है। वैसे यदि आप ये प्रोसेस करने के बाद 1 मंथ के लॉग आउट करके रख देते हो तो आपका 99% चांस है कि आपका गेट कोड का ऑप्शन आ जाए।